जयपुर में ईडी ने गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव के कोटपूतली स्थित आवास पहुंची और जहां उनके बच्चों की ओर से मिड डे मील में चल रही साझेदारी को लेकर पूछताछ की। तो देखिए, इस दौरान उनके बच्चों के मोबाइल जब्त किए गए, उनके घर की अलमारियों के भी ताले तोड़े गए। ईडी की कार्रवाई के बाद मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। ये बार बार ईडी की कार्रवाई कराई जा रही है, जबकि मिड डे मील में सरकारी तरीके से टेंडर हुआ था, लेकिन कोविड के समय में भी ऐसी कार्रवाई की गई थी जिससे उनकी कंपनी के रुपए अटके हुए हैं और नुकसान हुआ है। साथ ही कहा कि कई कंपनी चलती है लेकिन सभी में पारदर्शिता से काम होता है। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं केंद्र के इशारे पर कार्रवाई हुई है। कंस्ट्रक्शन की सुबह आने की तैयारी में था जयपुर, तो ई डी आती कोई वो नहीं हुआ। उन्होंने चेक किया, पूरा सर्च करवाया मेरे दोनों बच्चों के लिए, घर भी सर्च करवाए। कोई मिड डे मील का फलाना आरोप प्रत्यारोप लगा करके चीज़ें चल रही हैं। अब इन घटनाओं का बार बार जो रिपीट होना कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की नीति पे और नियत पे बताता है। सच्चाई यह है कि किसी के भी परिवार में बच्चों को काम करने का अधिकार है, व्यापार करने का अधिकार है, और ऐसा कोई नया व्यापार नहीं है कि जिसके लिए ट्रेडिशनल हमारा पारिवारिक बिजनेस लगातार करते आ रहे हैं। राजस्थान में भी शुरू कर रखा है, उत्तराखंड में भी है, दिल्ली में भी कर रहे हैं। जो व्यापार है उसके हिसाब से, जो जिस मिड डे मील की बात करते हैं कि भाई मिड डे मील में ना तो हम टेंडर डालने वाले हैं, ना मेरा परिवार उसमें कहीं सप्लायर है। हम सरकारी काम करते ही नहीं हैं, ना हमारे बस का है कि वो जाकर के काम करना। जो वहाँ काम लेते हैं वो लोग हमसे अगर माल ले जाते हैं तो हमें हमारा उसमें कोई कहाँ से हुआ है। तो वहीं कांग्रेस ने